गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आगे हमने देखा है चैप्टर फोर में सब्र का फल। ओके, तो सब्र का फल जो यहाँ पे बताया गया है कि सब्र का फल, कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको धीरज धरनी रहेगी। कोई भी काम भी आप जल्दी करना चाहोगे तो वो काम आपका पूर्ण होगा, लेकिन क्या उसमें कोई ना कोई भूल हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए धीरज रखनी पड़ेगी। कोई भी कार्य होता है तो उसमें परिश्रम करना पड़ता है, मुश्किली आती है, लेकिन वो मुश्किली का सामना आपको धीरज से सोच समझ कर करना चाहिए। वो सोच समझ कर जब आप करोगे तब पक्का आप जीवन में आगे आओगे। तो यहाँ पर जो पाठ बताया गया था सब्र का फल, तो उसमें क्या होता है कि सब्र का फल में राधा नाम की जो लड़की थी, वो जो एक उनके पास एक बकरी थी, बकरी में से वो दूध निकाल के फिर दही बना के फिर घी बनाती थी, और जब भी घी इकट्ठा होता था तो वो क्या करती थी, वो बेचने के लिए दूसरे गांव में जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाती है, तो दूसरी औरत आके वो मटकी ले जाती है। तो लेकिन वो क्या करती है कि धीरे धीरे वो हुजूर के पास जाते हैं, फिर वहाँ पर उनका फैसला कैसे होता है कि कीचड़ में, वहाँ पे जो हुजूर होता है वो बोलता है कि कीचड़ में मेरे बेटे का जूता गिर गया है, तो वहाँ पे जाके आप देखो, तो दोनों वो पूरा उनके हाथ कैसा हो गया था, कीचड़ वाला हो गया था, वो ढूंढ रही थी। बाद में हुजूर ने उनको बोला भी सही कि अभी वापस आ जाओ और उसको एक लोटे का पानी देते हैं कि लोटे के पानी से आप अपना हाथ मुँह धो लो। राधा होती है वो क्या करती है, वो एक लोटे पानी से अपना हाथ भी धोती है, पैर भी धोती है, मुंह भी धोती है, और लोटे में थोड़ा पानी वो बचाती है और उनको वापस देती है, क्योंकि उसने बकरी के दूध में से, बकरी का दूध ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बकरी का दूध में से वो थोड़े में से थोड़ा बचाती है। तो उनको पता होता है कि दूध का उपयोग कैसे, थोड़े में से थोड़ा हम कैसे यूज़ करते हैं और उसको कैसे बचाते हैं। लेकिन जो दूसरी औरत थी उसको पता नहीं था, और वो एक लोटे का पानी तो एक ही हाथ धो पाती है, वो भी आधा अधूरा, और वो बोलती है कि मुझे पूरे बाल्टी पानी चाहिए ताकि मैं पूरा हाथ पे अच्छी तरह से धो सकूं। और वहाँ पे जब पता चलता है कि सच में वो घी की मटकी किसकी थी, राधा की थी, तो तभी मुश्किली तो आई, लेकिन राधा ने क्या किया, राधा ने सोच समझ कर धीरज से अपना काम किया और उसको इंसाफ मिला। अभी जो मैं एक्सरसाइज वो बता रही हूँ, वो सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है, और नोटबुक की एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है, जिस तरह मैं बताऊं उसी तरह आपको लिखनी है। ओके, तो यहां सबसे पहले मैं पूरा पाठ आपको बता रही हूं, सब्र का फल, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो पूरा पाठ इसमें से पढ़ना। फिर यहां पे शब्दार्थ है शीतल यानी ठंडी, दूसरा पेज है, पूरा चैप्टर इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके। एकत्र, इकट्ठा, वास्तव, सच, हाकिम, न्यायाधीश, जज, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय, दुविधा, उलझन। तो सबसे पहले आपको ये शब्दार्थ पूरे लिखने हैं, इसके बाद जैसे जैसे शब्दार्थ आते जाते हैं वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर है हाथ पांव मारती रही, कोशिश करती रही, जबरन, जबरदस्ती, संयम, सब्र, धीरज। सबसे पहले आपको लिखना है पाठ चार सब्र का फल, इसके बाद उसके लेखक का नाम यहाँ पे दिया गया है श्याम सुंदर अग्रवाल, वो लिखना है। इसके बाद जो मैंने शब्दार्थ बताए वो सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बताया गया अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, राधा कहाँ जा रही थी, राधा क्या लेकर जा रही थी, हाकिम ने दोनों औरतों से क्या करने को कहा, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं अभी बता रही हूँ। राधा कहाँ जा रही थी, तो राधा नगर जा रही थी, इसका आंसर यहाँ टेक्स्ट बुक में आ जाएगा, तो उसके सामने ही आपको यहाँ आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन आंसर भी सारे आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, नोटबुक में सिर्फ शब्दार्थ लिखने हैं। इसके बाद है राधा क्या लेकर जा रही थी, राधा घी लेकर नगर में बेचने जा रही थी। इसके बाद है हाकिम ने दोनों औरतों से क्या करने को कहा, हाकिम ने दोनों औरतों को कचहरी के आगे जमे कीचड़ में से अपने बेटे का जूता निकाल कर लाने को कहा। इसके बाद है ये सारे क्वेश्चन आंसर लिख कर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी मैं बता रही हूँ, सारे आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ये रहे राधा बकरी के दूध का क्या करती थी, इसके बाद जब राधा की नींद खुली तो उसने क्या देखा, इसके बाद का क्वेश्चन है हाकिम दुविधा में क्यों पड़ गया, राधा की विजय क्यों हुई। अगर आपको लगे कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे आंसर नहीं मैं लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा,
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे वो आंसर लिख लेना, वरना वो जो अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे तो वो आंसर आप नोटबुक में लिखना। यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि जगह यहाँ पे कम दी गई है, ग वाला क्वेश्चन। ओके, बाकी सारे आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद है किसने किससे कहा, ए वाला क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, इसके आंसर मैं बता रही हूँ। माला ने कहा, राधा से कहा, कृपया इससे मुझे मेरी मटकी दिला दे। राधा ने हकीम से कहा, तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया। हकीम ने राधा से पूछा, मुझे तो एक बाल्टी पानी दो। माला ने चपरासी से कहा। इसके बाद है सही उत्तर चुन के, राधा के पास थी एक बकरी। हकीम ने कीचड़ में से निकालने को कहा जूता। इसके बाद दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, वृक्ष, तरु, विटप, आँख, लोचन, चक्षु, पानी, नीर, अमदूत। इसके बाद ये पढ़िए और समझिए, लिखिए, वास्तव, स्तर, नास्तिक, न्याय, अन्याय, न्यायालय, स्वयं, स्वाद, स्वर, लंबा, स्वयं, गंदे, संयम, गांव, ढूंढने, आँख, पांव। बहुवचन बनाना है, बेटा, बेटे, जूता, जूते, बकरी, बकरिया, बाल्टी, बाल्टिया। समदस बचे, विशेष, विनाश, वियोग, विचित्र। इसके बाद विशेषण ढूंढना है, समझदार, लंबा, शीतल, एक, ईमानदार। इसके बाद गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर अभी जो मैंने बताए आपको, ये सारे आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, यहाँ पे सबकी जगह दी गई हुई है, इसीलिए मैं अभी आंसर भी दिखा रही हूँ और क्वेश्चन की जगह भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गद्यांश वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं, वो अभी मैं ये दिखा रही हूँ। पानी से कौन जीवन पाते हैं। पानी से पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी जीवन पाते हैं। पृथ्वी का कितना भाग पानी से भरा है। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से भरा है। हम सबका क्या कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है कि हम पानी व्यर्थ न करें, इसे बचाएं। इसके बाद है यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी बचाने के लिए कुछ स्लोगन या पोस्टर तैयार कीजिए और कक्षा में यहाँ पे आपको लगाना है, वो आप मैं बाद में बताऊँगी। फिर से बता रही हूँ, चैप्टर 4 सब्र का फल वो हमारा पूर्ण हुआ है, इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको भेजी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पार्ट 4 सब्र का फल, लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने बताया ग वाला, वो आपको नोटबुक में लिखना है, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। फिर से बता रही हूँ, सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से लिखना, इवन पाठ भी पढ़ना। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो स्कूल में से क्लास टीचर को पूछ के आके ले जा सकते हैं। कल किसको स्कूल में आना नहीं है, बिकॉज ऑफ कल स्कूल में एग्जाम है, इसीलिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।